नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर नगर निगम समेत सबौर और हबीबपुर नगर पंचायत में बुधवार को चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसके साथ ही बिहार में नगर निकाय चुनाव भी संपन्न हो गया। भागलपुर के 51 वार्ड के लिए पार्षद समेत महापौर और उप महापौर पद के लिए हुए मतदान के दौरान जहाँ ठंड के कारण सुबह के वक्त लोगों की कम भीड़ मतदान केंद्रों पर दिखी, वहीं धूप निकलने और दिन चढ़ने के साथ मतदाता की संख्या वोटिंग के लिए बढ़ने लगी। हालांकि अधिकतर बूथों पर दोपहर तक वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा, जिसमें बाद में वृद्धि भी देखी गई। भागलपुर नगर निगम कार्यालय सभागार में बनाए गए पिंक बूथ पर महिला कर्मियों को तैनात किया गया था, जबकि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मतदान जारी रहा। वहीं मायगंज कुप्पाघाट के समीप ग्रामीण विकास विभाग अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में बनाए गए सभी बूथों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान बुजुर्ग पुरुष, महिला के साथ युवा और फर्स्ट टाइम वोटर ने भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वार्ड नंबर 31 में अपने अभिभावक के साथ पहुंची एक छात्रा ने पहली बार मतदान कर अपना अनुभव साझा किया। वहीं मतदान को लेकर अपर समाहर्ता सह निर्वाची पदाधिकारी महफूज आलम ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार को सभी वार्डों को मिलाकर कुल 46.5% वोटिंग हुई, जिसमें 45.12% पुरुष मतदाताओं ने और 46.5% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहली बार महापौर और उप महापौर पद के साथ पार्षद पद के लिए हुए चुनाव को लेकर जहां मतदान केंद्र पर तीनों पद की वोटिंग को लेकर अलग अलग रंग का 3 ईवीएम बॉक्स बनाया गया था, जहां लोगों ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी के निशान के सामने का बटन दबाकर वोट किया, एक ओर जहां निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और तमाम पदाधिकारियों द्वारा मतदान को लेकर पुख्ता व्यवस्था की गई थी, वहीं मतदान कर्मियों ने भी मतदाताओं को अलग अलग पद के लिए अलग अलग बॉक्स के ईवीएम की जानकारी दी, जबकि बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर को भी सहयोग किया गया। कॉलेज से छुट्टी हो गई है, बात का अच्छा है कि मिल गया छुट्टी, तो पापा बोले चलो मतदान लेके आना, और अभी खुशी हो रही है कि पहली बार मतदान भी है, और अब आशा है कि जो भी बने हमारे शहर का विकास करें। अच्छा है, सब कुछ अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, सब मैनेजमेंट अच्छा से हो रहा है, अंकल लोग हेल्प करने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से भागलपुर नगर निगम, सबौर नगर पंचायत एवं हबीबपुर नगर पंचायत में मतदान प्रारंभ हो गया। भागलपुर नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पद के चुनाव के लिए मतदाता सुबह से ही वोट देने मतदान केंद्र पहुँचने लगे और कई बूथों पर दोपहर के बाद मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं इस दौरान वोटरों में काफ़ी उत्साह देखा गया, जबकि झारखंड के गोटा सांसद निशिकांत दुबे भी वोट देने दिल्ली से भागलपुर पहुँचे। निशिकांत दुबे ने वार्ड संख्या 20 के राजकीय सारो साहुल मध्य विद्यालय में बने बूथ पर मतदान किया। वहीं मतदान के बाद सांसद ने कहा कि वे अपना वोट परिवर्तन के लिए कर रहे हैं, जिससे सही उम्मीदवार जीत कर आए और भागलपुर का विकास तेजी से आगे बढ़ सके। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से सही उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मतदान हमारा अधिकार है और मतदान सबों को करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि मैं दिल्ली से चलकर गोड्डा देवघर होते हुए जो है सुबह सुबह आया, संयोग से मैंने पहला मतदान किया, और मेरा सभी भागलपुर के लोगों से आग्रह है कि वो मतदान करें। पहली बार मौका मिला है कि परिवर्तन के लिए मतदान करें, और मैंने मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर तीनों के परिवर्तन के लिए ही वोट दिया। वहीं चुनाव को लेकर सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इधर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर सभी थानों की महिला पुरुष पुलिस बल, दंगा नियंत्रण बल, बजरा दल और CIT की टीम को सभी मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया था, जिससे मतदान केंद्र पर लोगों को कोई परेशानी ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया जा सके। भागलपुर नगर निगम के बरहपुरा स्थित वार्ड नंबर 33 के सभी बूथों पर पुरुष और महिला वोटरों की भीड़ देखी गई, जहां मतदाताओं ने कतारवत होकर वोटिंग की, जबकि मतदान करने के बाद लोगों ने विकास के लिए योग्य प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की बात कही। वहीं बात अगर महापौर पद के प्रत्याशी की करें तो इसमें 3 प्रत्याशियों के बीच टक्कर की बात कही जा रही है, जबकि माना जा रहा है कि सीधा मुकाबला पूर्व महापौर सीमा साह और डॉक्टर वसुंधरा लाल के बीच रहा। जानकारी के अनुसार दोनों ही
प्रत्याशियों के पक्ष में शहर के अधिकतर वार्ड के मतदाताओं ने वोटिंग की है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं ने गजाला परवीन के साथ सीमा साव और वसुंधरा लाल को भी वोट किया है। हालांकि बरारी और तिलकामांझी समेत कुछ क्षेत्रों में मेयर प्रत्याशी खुशबू कुमारी और सविता देवी को वोट करने की भी बात कही जा रही है। इधर उप महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन और संतोष कुमार के बीच सीधा मुकाबला होने की बात कही जा रही है, जबकि कविता राय समेत अन्य प्रत्याशियों को भी विशेष इलाके का वोट है। लेकिन जीत के दावे की बात करें तो मतदान के बाद सलाउद्दीन अहसन और संतोष कुमार के समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं सभी की अपने अपने जीत के दावे हैं और इन दावों का खुलासा तो 30 दिसंबर को मतगणना के दिन चुनाव परिणाम आने के बाद ही होगा। बहरहाल महापौर के 9 और उप महापौर के 10 उम्मीदवारों के अलावा सभी 51 वार्ड के पार्षद पद की रेस में चुनावी मैदान में खड़े 212 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। वहीं मतदान का केंद्र पर वोटिंग और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय या व्यवधान की खबर नहीं है और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। देखिए अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि ठीक ठाक संख्या में लोग वोट करने आ रहे हैं और कहीं से भी पूरे नगर निगम में कोई भी वैसी घटना नहीं घटी है और न ही कोई वैसी सूचना मिली है। सभी जगह शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो रहा है। जहां पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं उसको हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीसीसीपी मजिस्ट्रेट और जो मास्टर ट्रेनर है उनके मदद से उसको ठीक कर ले रहे हैं और अभी तक कहीं पे भी कोई वैसी मेजर समस्या नहीं आई है। तीन अलग अलग पद के लिए हाँ, इस बार सारा जो पद होता है जो वो डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से होना है, तो मेयर, डिप्टी मेयर और जो पार्षद का पद है वो तीनों डायरेक्ट है, इसलिए एक बूथ पे 3 ईवीएम है, 3 बीयूसीयू लगे हुए हैं और लोग तीनों पद के लिए वहाँ पे वोट डालते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं, देखिए आयोग का जैसा निर्देशानुसार था सबकी कलर कोडिंग की गई है, अलग अलग कंपार्टमेंट है और सबका अपना अपना कलर कोड है और उस पर उद्धृत भी किया हुआ है कि किस पोस्ट का वो पद है। मतदान के लिए आए, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छे पूर्ण ढंग से यहाँ पे मतदान हो रही है, सारी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी है और हम लोग तो मतदान कर रहे हैं अपने शहर के विकास के लिए और इस बार स्वतंत्र रूप से मेयर चुनने का मौका मिला जो कि पहले थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता था, लेकिन इस बार है कि जनता अपने से चुने और विकास में जो सार्थक हो वैसे आदमी को चुनने के लिए हम लोग सोचते हैं। घर पस रहा है, हम जो है शुगर का पेशेंट है, हम 1 साल से अंग्रेजी दवाई खा रहे थे, अंग्रेजी दवाई से हमको उतना फायदा नहीं हुआ इतना होना चाहिए, फिर हम एक राय से परामर्श लिए और दवाई खाए, आयुर्वेद का दवाई खाए, आयुर्वेद का दवाई खाने के बाद हमको बहुत फायदा हुआ, 1 महीना में हमको फायदा होने लगा, बहुत फायदा हुआ और 3 महीना में मेरा बीमारी डर से छूट गया और हम रोटी चावल भात सब खाते हैं और हम इनके दवाई से बहुत संतुष्ट हैं। 1 महीने से मेरा दवाई बंद है, सब कुछ खाने के बाद मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है और मुझे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। नाम है रेखा देवी, खगड़िया जिला को रहने वाले हैं और हमको 1 साल से शुगर था तो कोई आदमी बताया कि जाइए भागलपुर में डॉक्टर है एक राय, तो यहाँ आए तो दवाई दिए डॉक्टर साहब तो 8 दिन में ठीक होने लगे। अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, शुगर नहीं घट रहा था और मेरा पेशाब में जलन था तो वो सब ठीक हो गया। 3 महीना से दवाई चल रहा था, 3 महीना दवाई खाए तो और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब दवाई नहीं खाते, सब चीज़ खाने का बाद अभी रिपोर्ट ठीक है, सब चीज़ खाते हैं, खाना जो होता है फल फ्रूट दाल चावल सब खाते हैं, अभी ठीक है, हम दवाई नहीं खाते हैं, दवाई बंद है।
केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह नगर विधायक अजीत शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों और चर्चित लोगों ने भी नगर निगम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सभी बूथों पर लोगों ने मतदान कर नगर सरकार के गठन का रास्ता तय कर दिया और चुनाव परिणाम आने के बाद भागलपुर नगर निगम को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा, जबकि 51 वार्ड के लोगों को भी नगर के लिए उनका प्रतिनिधि मिल जाएगा, जिससे क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए लोगों का अपना प्रतिनिधि मिल जाएगा। वहीं इसको लेकर सभी ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर अपने अधिकारों का उपयोग करने की बात कही। बता दें कि भागलपुर नगर निगम के 51 वार्ड में 3,37,321 मतदाता है, जबकि मतदान के लिए कुल 367 बूथ बनाया गया, जहां लोगों ने वोटिंग कर प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।